हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनुभव एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव स्क्रू। सो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो हमारे ही यूट्यूबर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड पे होने वाली है, जिन्होंने कहा था कि भाई आपने तो वीडियो बनाई नहीं कि यूट्यूब पे थंबनेल कैसे लगाएं। तो सॉरी भाई, मैं आपकी कमेंट पढ़ नहीं पाया था, सॉरी फॉर दैट। और आज मैं आपकी डिमांड पर वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई जिनको ये लगाना आता है या फिर थंबनेल लगाना आता है किसी भी तरह से, तो वो वीडियो ये छोड़ के जा सकते हैं, उनके लिए नहीं है ये वीडियो। हाईली उनके लिए है जिन्हें थंबनेल लगाना नहीं आता है और वो एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो सिंपली उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है YouTube स्टूडियो, जिसका लोगो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है ये। आपको सिंपली सा इसको ओपन करना है और इसमें आपको जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आपको उस अकाउंट से लॉगिन करना है जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है। तो मेरा सिंपली सा आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर क्रिएटिव स्क्रू से लॉगिन हुआ है। तो मुझे अगर किसी भी वीडियो पे थंबनेल लगाना होगा, आप यहाँ पर इस ऐप में सभी वीडियो का डिटेल देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि यूट्यूब स्टूडियो का क्या काम होता है, तो सारे यूट्यूबर इस ऐप को रखते हैं। और अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आप अगर पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग कर सकते हैं। आपको सिंपली सा कोई वीडियो ले लेना है, जैसे मैं हाउ टू मेक लैपटॉप स्टैंड वाली वीडियो ले लेता हूँ जिसमें आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं। अभी मैं इस थंबनेल को हटा के फिर आपको लगा के दिखाऊँगा। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हो मेरी जो लैपटॉप स्टैंड वाली वीडियो है उस पर थंबनेल नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो उस पर मैंने थंबनेल, अभी मुझे यहाँ पर इसमें थंबनेल लगाना है। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो मेरी ये वीडियो है, तो मुझे इस पे लगाना है। तो अब मुझे सिंपली सा क्या करना होगा, इस वीडियो पे क्लिक करना होगा और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल का आइकन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, इसका मतलब होता है कि आप इस वीडियो में कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करें, तो हमें तो थंबनेल चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली सा क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर एडिटिंग वाले पेज पर पहुँचा देगा, जहाँ पर आप अपनी वीडियो में टैग्स एडिट कर सकते हैं और थंबनेल भी और टाइटल भी, जो भी आप एडिट करना चाहें। पर अभी तो मैं आपको थंबनेल बदल के दिखाने वाला हूं, तो आपको सिंपली सा यहां पर आपको एक और पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, वहां पे पेंसिल के आइकन पे आपको दबाना है और आप यहां पर आ जाएंगे। तो आपको सिंपली सा यहां पे कुछ रिकमेंडेड भी होते हैं आपको थंबनेल की, अगर आप अपनी वीडियो से ये वाला लगाना चाहें तो आप सिंपली सा लगा सकते हैं। पर मुझे, मैंने कस्टम बना रखा है, तो मैं अपना पहले चूज़ कर लेता हूँ वहाँ से। यह आपको डायरेक्ट गैलरी में पहुंचा देगा, तो आप अपनी गैलरी से डाउनलोड मतलब चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पड़ा है। तो सिंपली सा देखिए, मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया और ये बता रहा है कि आपका जो थंबनेल है वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको टॉप पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कभी भी यहाँ से कुछ भी अगर बदलाव करें तो यहाँ पर सेव करना ना भूलें, जो कि सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं सेव पे भी क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा और आप देख सकते हैं कि जो मेरा थंबनेल है वो सिंपली सा लग चुका है। तो मैं एक और बार याद दिलाना चाहूँगा कि इस ऐप का नाम है YouTube स्टूडियो, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली सा आप अपने वीडियोज़ पर थंबनेल लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।